श्री गणेश श्री कृष्ण की कृपा पाने का महीना। भादों में इन बातों का रखें ध्यान। भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। यह महीना लोगों को व्रत उपवास नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए यह सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने में यह महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। इस बार भाद्रपद का महीना 16 अगस्त से 14 सितंबर तक रहेगा। भाद्रपद मास के नियम और सावधानियां क्या? दैश इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करें। दैश दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। दैश इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। दैश शीतल जल से दोनों वेला स्नान करें ताकि आलस्य दूर हो पाए। दैश भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को चाय या दूध में उबालकर पीना अच्छा होगा। भाद्रपद मास के व्रत और त्योहार कौन कौन से? दैश इस महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। दैश इसी महीने में श्री कृष्ण बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी आता है। दैश इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरतालिका तीज आता है। दैश इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। इस माह में श्री कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? दैश इस महीने में दही का प्रयोग तो वर्जित है, परंतु अगर पूरे माह श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दैश जिन लोगों को संतान सुख नहीं है उन लोगों को इस माह या तो कृष्ण का जन्म कराना चाहिए या कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। दैश इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ शुभ परिणाम देता है। दैश इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना से घर में धन और संपन्नता आती है। भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस माह क्या करें? दैश विद्या बुद्धि और ज्ञान के लिए इस माह श्री गणेश की उपासना करें। दैश पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। दैश नित्य प्रातः उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। दैश पूरे माह सात्विक रहें। दैश हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। दैश अगर आपके पैरों में बिवाइयां ज्यादा रहती हो तो दैश गाय के घी से पैरों के तलवे की मालिश करें।